भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पासवान ने कहा कि सांसद कमलेश पासवान अपनी लड़ाई को व्यक्तिगत न लेकर पूरे समाज को इसमें शामिल कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर सांसद जी को गाली दिया गया है तो गलत है और इसकी जांच हो और गाली देने वाले को सज़ा मिले, लेकिन पूरे पासी समाज को इसमें शामिल करना गलत है और अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे से लड़वाना गलत है। जब आपने समाज के लिए कुछ किया ही नहीं, न अपने हॉस्पिटल में किसी पासी को कर्मचारी रखा, न बलदेव प्लाजा में पासी समाज के किसी कर्मचारी को रखा। किसी भी दलित, उपेक्षित व पिछड़े समाज के प्रतिनिधि का यह दायित्व है कि वह अपने पद एवं अधिकार का प्रयोग अपने समाज के विकास के लिए करे, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पासवान ने कहा। विजय पासवान, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चूँकि हम भारतीय पासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे 22 प्रांतों में संगठन का काम चल रहा है। यह गैर राजनीतिक संगठन है और उत्तर प्रदेश में संगठन के दृष्टि से 90 जिलों में हमारे संगठन का काम चल रहा है। मैं कई दिनों से देख रहा था कि अखबारों में आ रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है कि जातिवादक सूचक शब्द लेकर के गाली दिया गया है। कुछ बाबा लोग या जो भी लोग, ठाकुर लोग जो भी थे, गाली दिए। तो मुझे यह देखते देखते मुझे लगा कि अब कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नाते करना चाहिए कि यह जो है लड़ाई जात जात में अब हो जाएगा, गांव गांव में हो जाएगा, एक हिंदू बनाम मुस्लिम वाला काम हो जाएगा। हम हिंदू हैं, हमारी लड़ाई आपसे अगर होती है तो हमारा व्यक्तिगत लड़ाई है। और यदि कह रहे हैं कि हाँ उसमें जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें कहा गया उसमें गाली दिया गया, कमलेश को गाली दिया गया है, जातिवादक शुद्ध पासी कह के गाली दिया गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। यह एक बहुत गलत विषय है, गलत काम हुआ है कि आप किसी समाज के पूरे लोगों का जात सूचक शब्द लेके गाली नहीं दे सकते हैं। आपका व्यक्तिगत मामला उनसे, आप किसी को गाली देना, नाम लेके गाली दो, लेकिन जो दिया है गाली उसको दंड मिलना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। लेकिन कमलेश भैया जी को भी यह ध्यान देना चाहिए कि आज जाति का जो आप सहारा ले रहे हो, इसमें हम अपने जातियों के लिए क्या कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं, कितने जातियों के लिए, कितने अपने पासी जात के लिए हमने क्या किया, कितने जैसे विकलांग कुछ पासी हैं उनके लिए मैंने कितने लोग साइकिल दिया, गरीब पासी हैं कितने बेटियों के शादी कराया, कितने सिटी हॉस्पिटल में कितने कर्मचारी जो हैं पासी हैं, बलदेव प्लाजा में कितने कर्मचारी पासी हैं, यह सब विषय खड़ा होता है। जब आप झगड़ा करोगे तो जात का सहारा लोगे, बाकी जब उत्थान की बात करोगे, विकास की बात करोगे तो कोई पासी नहीं होगा, अन्य जात के ही लोग रहेंगे आपके पास, वही जिन लोगों के आप खिलाफ बात कर रहे हैं वही आपके साथ रहेंगे। चाहे बिजनेस क्या मांग कर रहे हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि यह जांच हो और जांच में जो दोषी हो, गाली देने वाला गाली दिया है, उसके खिलाफ कड़ी कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन यह बात यहीं समाप्त हो जाए, ये गांव शहर और जिलों में न फैले, ताकि कोई अलग से आपस में झगड़ा या मार आपस में जातियों में न हो। आप एक लोकसभा के सांसद हो बासगांव के, आपको हर जात का आउट मिलता है, आप कह रहे हो हमको फला लोग गाली दिए, फला लोग गाली दिए, क्या आपको एक ही जात से आउट मिलना चाहिए, एक ही जात से आप चुनाव जीत जाओगे? अगर इस तरह करोगे तो हर गांव में पासी हैं, धोबी हैं, कुर्मी हैं, यादव हैं, बाबर हैं, ठाकुर हैं, एक बाध्यसन फैला रहे हो आप। आपका व्यक्तिगत मामला है, ये पूरे समाज का, जाति समाज पासी समाज का मामला नहीं है। आए आप उसको जाति और समाज का बात कर रहे हो, उसको सहारा ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ गलत हुआ, गाली दिया गया तो गलती की है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच करके क्या सत्य है क्या असत्य है। और जोगी जी के शहर में कभी अन्याय नहीं हो सकता, मैं इस तरह का मैं पूरी तरह से कंठस्थ हूँ।